हेलो बच्चों, तो आज के सीरीज में हम ये देखेंगे कि जब साइन कॉस ज़्यादा दिखे तो बहुत सारे चांसेस है कि हमें टी इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स लेना है। बहुत चांसेस है। ओके, जैसे ये सवाल है साइन साइन कॉस कॉस, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, ऑप्शन। ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपको डिसाइड करने देगा, हेल्प करेगा। ऑप्शन में 10x है, कॉटेक्स भी है, तो वो 1/10 ही हो गया, तो 10 ही है बेसिकली। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये इतना खतरनाक सवाल दिख रहा है दिखने में ना। देखो, इसमें से साइन है सबकी डिग्री, देखो ये होमोजीनियस है, सबका डिग्री 2 है। 2 है मतलब 3 + 2, 3 + 2 5, सब 5 ही है। तो आप इसमें से कॉस टू पावर 5 निकाल लो, साइन बाय कॉस चाहिए ना हमको। कॉस टू पावर 5 कॉमन निकालो, निकलेगा लेकिन कॉस टू पावर 5 नहीं, वो तो स्क्वायर के साथ निकलेंगे कॉस टू पावर 10। लेकिन इधर क्या हो जाएगा, साइन टू पावर 5x कॉस पावर 5x प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस पावर 5x प्लस साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस पावर 5x प्लस, ये पूरा निकल गया होल स्क्वायर, और जो ऊपर थे तो ऊपर है। ये पहला स्टेप हो गया। अब ये कॉस पावर 10 हो गया, ये साइन स्क्वायर है, इसके नीचे कॉस स्क्वायर एक ले लेंगे, और ये जो कॉस स्क्वायर है इसके नीचे एक और कॉस स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ क्या था, कॉस पावर 10 था, तो क्या बच गया, 1/cos2 चले गए, 4 पावर 4 वाले तो 6 बच गए। और अब नीचे क्या क्या हो रहा है देखते हैं। ये हो गया 10^5x प्लस 10, 3 से कट हो गया 10^2x, फिर 10^3x 2 से कट हो गया, और +1 का होल स्क्वायर, ये ऐसा कुछ हो गया। ये जो कॉस पावर 10 था ना, इसको इनके नीचे बांट दिया, इसको स्क्वायर दे दिया, इसको भी स्क्वायर दे दिया, और बचा हुआ 6 वाला रह गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। चलो अब बचा कुछ, ऊपर भी 10 बच गया, और ये सेक सेक बन जाएगा 1/cos6 इज sec6x, और यह हो जाएगा 10^2x। और यहाँ पर देखो, अब ध्यान से देखो, सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ से अगर मैं 10^3x निकाल लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 10^2x। हाँ, यहाँ से 10^2x कॉमन निकलेगा, सॉरी 10^2x, और यहाँ पर क्या होगा, 10^3x प्लस 1 प्लस 10^3x प्लस 1, बस 1 कॉमन निकाल लिया, एक तरीके से सोच सकते हो, बच जाएगा 10^3x+1। अब ये देखो, दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, 10^2x ऊपर जो है वो है। इसमें लर्निंग क्या थी ना, कि सबसे बड़ा पावर जो है साइन का वो निकाल लो, तो जनरली होता है क्वेश्चन। अब यहाँ 10^3x+1 का होल स्क्वायर ये बच गया, 10^2x+1 बच जाएगा, ये जो कॉमन, ये कॉमन निकल गए दोनों, तो 10^2x+1 बच जाएगा, और इन पे दोनों स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। अब यहाँ पर 10^2x sec^6x dx, हम जब हमारे इंस्टिंक्ट पे चलते हैं हम लोग, है ना, हमको जो लग रहा है करते आते हैं, लग रहा है कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लिया। अब यह 1+10^2x क्या हो गया, sec^2x हो गया, sec^2x का होल स्क्वायर sec^4 इससे कैंसिल होके इसको 2 बना दिया। अब इट्स अ परफेक्ट फॉर सब्स्टिट्यूशन। नाउ हम t इक्वल टू 10x ले लेंगे, तो डी टी विल बी इक्वल टू sec^2x dx, राइट। ये 10^3 भी था। अब देखो यहाँ से, देखो ऑप्शन देख के हिंट क्या मिली ना मुझे,
अभी इसमें मैंने, आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले के पहले वाले वीडियो में हमने सीखे थे कि पावर, ग्रेट पावर, ग्रेटेस्ट पावर निकाल दो कॉमन, बस बिना सोचे समझे। तो टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी क्यूब निकाल दिया, पावर हो गया टू करके निकला है बाहर, टी क्यूब निकला इसका और ये टू के साथ निकला, वन बाय टी क्यूब प्लस वन होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल होकर नीचे आ गया डी टी बाई टी रेस्ट टू पावर फोर, क्योंकि टी रेस्ट पावर सिक्स हो गया था और ऊपर टी रेस्ट पावर टू है तो टी रेस्ट पावर फोर हो जाएगा, और यहाँ क्या बच गया, वन प्लस वन बाय टी क्यूब, ये तो वन बाय टी क्यूब प्लस वन, लिखने में कुछ फर्क प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों देखो क्या होता है ना, एक बात याद रखो आप, जब आप कोई चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स रेस्ट टू पावर टेन को तो पावर कम होता है, ये क्या सर ऑब्वियस बात है, लेकिन जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो वन बाय एक्स को तो नीचे का पावर बढ़ता है, समझ रहे हो ना, इससे एक पावर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वन बाय टी क्यूब को आप टी यू लोगे ना तो पावर बढ़ के डी यू बन जाएगा, एक से बढ़ जाता है, मतलब वन बाय एक्स स्क्वायर अगर है तो ये पहले क्या होगा एक्स रेस्ट टू माइनस टू बनेगा, फिर ये माइनस टू नीचे उतर के एक्स रेस्ट टू पावर माइनस टू माइनस वन, तो डिनोमिनेटर में एक्चुअल में कमी हो रहा है लेकिन डिनोमिनेटर में बढ़ गया एक तरीके से, माइनस थ्री और नीचे लेके देखो बढ़ा ना पावर। तो यही बात है इधर, हम क्या करेंगे इसको यू ले लेंगे, वन प्लस वन बाय टी क्यूब, तो डी यू विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखते हैं इसको, तो डी यू क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी यू विल बी इक्वल टू, इसको लिखो वन प्लस टी रेस्ट टू पावर माइनस थ्री, अब डिफ्रेंशिएट करो तो जीरो, माइनस थ्री नीचे उतरा, माइनस थ्री माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस थ्री, टी रेस्ट टू पावर माइनस फोर विच इज इक्वल टू इंटू डी टी भी रहेगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी किया हमने, तो ये डी यू बाई डी टी हो गया था, डी टी को भेज देंगे। तो देखो बच्चों डी यू क्या मिला आपको, डी टू बाई माइनस थ्री, ये माइनस थ्री को उधर भेज दो, इज इक्वल टू इसको नीचे भेज दो, डी टी बाई टी रेस्ट टू पावर फोर, हमारे पुराने वीडियो के टॉपिक में चले गए, हमने इसको यू लिए, ये येलो वाला जो है ना वो डी यू बन गया। तो क्वेश्चन अब ट्रांसफॉर्म हो गया, ऊपर डी यू बाय माइनस थ्री बन गया बेसिकली, और हमने इसको यू लिए थे यू स्क्वायर, अब ये क्वेश्चन हो गया है, वन बाय थ्री को बाहर निकाल दो, माइनस वन बाय थ्री को, यू रेस्ट बाय माइनस टू माइनस वन बाय थ्री, माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, ठीक है प्लस सी। अब यू क्या था, यू था वन प्लस वन बाय टी क्यूब, तो यू जो था वन प्लस, इधर आप पुट कर दोगे यहाँ तक पहुँच गए, वन माइनस वन बाय थ्री माइनस वन हो गया इनका एडिशन, और ये नीचे ले गया वन बाय, और ये माइनस था तो प्लस वन बाय थ्री हो गया प्लस सी। अब देखो फाइनल क्या है, वन बाय थ्री वन बाय यू, यू जो था री सब्स्टिट्यूट करो, वन प्लस वन बाय टी क्यूब, अब टी क्या था ऊपर देखो, टी हमारा टेन एक्स था, तो वन प्लस वन बाय टेन क्यूब एक्स विच इज वन बाय थ्री वन प्लस कॉट क्यूब एक्स। आपको इसमें ना इंटीग्रेशन में ना आपको ऑप्शन से हिंट लेना ही चाहिए, बेस्ट तरीका है वो, टाइम पास नहीं होता सोचने में, ऑप्शन में हर जगह टेन टेन है मतलब है टेन एक्स को टी लिया, ऐसा सोचना है तो ऑप्शन तो मैच हो ही जाएगा कोई ना कोई। अच्छा कॉट तो आ रहा है लेकिन थ्री नहीं आ रहा है, ठीक है एक बार देख लेना कैलकुलेशन। ये वन बाय थ्री हो सकता है, मिस्टेक भी हो उधर क्वेश्चन में, चेक कर लेना एक और बार सॉल्व करके, मुझे तो कोई गलती नहीं दिख रही इसमें। ओके तो अपना थ्री तो आया ही था, यहाँ से थ्री आने ही वाला था, उसने थ्री क्यों नहीं लिखा है, और कहीं कैंसिल होने की उम्मीद भी नहीं थी, ये तो कैंसिल करा देते राइट, तो मुझे तो सही लग रहा अपना। चलो जस्ट इस टाइप का एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया इसको मैंने,
अब यहाँ से क्या करो आप, स्क्वायर 4 थीटा कॉमन निकाल लो जैसे हमने सीखा है। तो ये तो साइन बाय कॉस 10 लिख दो डायरेक्ट, अभी 10^4 थीटा प्लस 1, और यहाँ क्या है 2 sin theta cos theta। तो ये बचा क्या 2 sin theta। अब ये एक कट होके क्यूब हो जाएगा, तो एक कॉस इसको दे दिया और 1/cos² theta इधर दे दिया डी थीटा, और यहाँ पर क्या आ गया 10^4 theta प्लस 1। अब फाइनल हमें मिला 2 tan theta, साइन बाय कॉस टेन हो गया, टेन थीटा sec² theta डी थीटा अपॉन 1 plus 10^4 theta। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा अपने दिमाग चलाना पड़ेगा, हम ना टी किसको लेंगे ना टेन स्क्वायर थीटा को लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका डी टी ऊपर अवेलेबल है। कैसे, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा डी टी विल बी इक्वल टू 2 tan theta, 2 नीचे उतरेगा 10 theta, 10 theta का डिफरेंशियल sec² theta, ये हमको दिमाग चलाना पड़ेगा। तो बेसिकली इस 10^4 को हम क्या लिख देंगे, 10² का स्क्वायर, और हमने इसको ही टी ले लिया है। तो क्वेश्चन अब क्या बन गया, 1 plus t² 2, अच्छा ये पूरे के पूरी जगह आ गया टी थीटा। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया 10 inverse of t² by 1 है ना, 1 x² + 1/1। अब टी क्या है, सॉरी टी बाय 1, तो 10 inverse of t क्या है अपना 10^2 theta, ये आंसर है। तो ऑप्शन में 10^2 theta अंदर दिया है, मतलब 10^2 theta को टी ले आऊँगा, ये अपने अंदाजा होता है। तो काफ़ी वैरायटी आ रही है, लेकिन ये थोड़ा हेल्प कर सकती है आपको। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर टाइप का क्वेश्चन इससे होगा, लेकिन ये हेल्प कर सकता है। ओके, थैंक यू।